रब इशरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिसेस मैमुना ज़फ़र। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ इन द लेसन एंड व्हाट टाइप द राइटर इज़। मार्टिन लूथर किंग was a civil rights leader and a clergyman. He was against racism. He was born in 1929 and assassinated in 1968 at Memphis, Tennessee. He delivered his famous speech at a centennial celebrations of the Emancipation Proclamation. It is the firm belief of Martin Luther King that all men are created equal, and so racial inequality should be rooted out from American society. He dreamt that one day the sons of former slaves and the sons of former slave owners can sit together at the table of brotherhood. The black people did not have their legal and civil rights. They usually lived in slums and ghettos. He firmly believed in their strength to fight for their rights. He knew that the black can change their fate and circumstances. He wants freedom to spread to every village, hamlet, state, and city. Only then can every black person feel true freedom. It is true that almost all the dreams of Martin Luther King have been fulfilled. Black people in America have equality and all civic and legal rights, although discrimination still exists, but conditions for the black people have improved a lot. बेटा, इसमें मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी बताया गया है और ये भी बताया गया है कि ये लेसन जो है बेसिकली उसकी एक स्पीच है। तो मार्टिन लूथर किंग, जो कि मैंने भी आपको बताया इंग्लिश में, 1929 में उसकी बर्थ हुई और 1968 में इस दुनिया से वो कूच कर गया। 1950 और 1960 के अशरों में चलने वाली शहरी हकूक की तहरीकें जो थीं, उसका ये एक अजीम लीडर था। उसने ये तकरीर लिंकन मेमोरियल के सामने ऐलाने आज़ादी की 10 साल तकरीब के मौका पर अमेरिकन हबशियों से की, जिससे नस्ली तजाद की बिना पर गोरे लोगों के काले लोगों के साथ सलूक अच्छा सलूक ना होने की निशानदही होती है। इस खताब में मुसन्नफ़ अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है। वो अपनी पसंदीदा कौम की तस्वीर खींचता है। इसने अपनी तकरीर में कहा, आप लोग बहुत मुश्किल हालात का मुकाबला करने के बाद इस तकरीर के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनमें से बहुत से जेलों में कैद काटने के बाद आए हैं, जिन्होंने आज़ादी के मुतालबे पर बहुत ज़ुल्म सतम सहे हैं। वो लोगों को तसल्ली देता है, वो नहीं चाहता कि लोग मायूस हों। उसका अपना एक ख्वाब है जो अमरीकन ख्वाब ही है। वो कहता है कि हम सबको इस बुनियादी सच्चाई पर यकीन है कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं। वो चाहता है कि अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म होकर उनमें भाईचारे की फ़िज़ा पैदा हो जाए। वो मिसिसिपी की रियासत की आज़ादी की बात करता है और कहता है कि वो ख्वाब देख रहा है कि ये रियासत जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का शिकार है, एक दिन आज़ादी और इंसाफ हासिल कर लेगी। उसका ये ख्याल है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब लोग रंग से नहीं बल्कि मजबूत किरदार से पहचाने जाएंगे। वो अलबामा की रियासत के गवर्नर की बात करता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब गवर्नर ऐसी सूरत हाल के बारे में बात करेगा जिसमें गोरे और काले सब बच्चे बहन भाइयों की तरह मिलकर रहेंगे। वो खुदा की हुक्मरानी चाहता है और छोटे बड़े के फ़र्क को मिटा देना चाहता है। वो इस ख्वाब को अपनी उम्मीद कहता है, जिसके लिए वो इसे जनूबी रियासत में लौट आया। वो मुश्किल और कोशिशों गर्ज के हर मामले में इंसान के इतिहाद का कायल है। वो कहता है, सिर्फ इस सूरत में खुदाई मखलूक नई तर्ज पर आज़ादी का गीत गाने के काबिल होगी। वो कहता है कि मुल्क के हर हिस्से में आज़ादी के गीतों को बजने दो, लोगों को खुश होने दो। बेटा, आज़ादी जो है
वो इंसान का एक बहुत बड़ा हक है, ठीक है। और इसके लिए लोग जंगे लड़ते हैं, इसके लिए लोग इनकलाब लाते हैं, इसके लिए लोग अपनी सारी तगोदो लगा देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड आल्सो टेल यू व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज। In near future, I will give you the, I will tell you about parts of speech, okay? Because in your MDCAT papers, there came the words that you have to judge ke what type of word is, either it is a noun or adjective or verb or adverb or preposition, okay? The word is unmindful. Unmindful is an adjective. और इसका meaning है बेटा बेखबर. Quest. Quest. This word is noun. और इसका उर्दू में meaning है तलाश. Persecution. It's also a noun. जबर जुल्म. Brutality. Noun. जुल्म बर्बरियत. Unearned. बगैर कमाई के. और ये है adjective. Mississippi. अमेरिका की रियासत. Frustration. Noun. मायूसी. लिव आउट सर अंजाम देना वर्ब फॉर्मर पहला अवलीन ये एडजेक्टिव है ट्रांसफॉर्म ये वर्ब है मुकम्मल तब्दील होना ट्रबलेशंस नहायत मुश्किल ये नाउन है बैटर वर्ब है नुकसान पहुंचाना स्टैगर वर्ब परेशान करना वेटरन नाउन है तजर्बाकार सिपाही रिडम्पटिव एडजेक्टिव निजात देने वाली इंस्पाइट ऑफ के बावजूद रूटेड एडजेक्टिव जड़ों वाला क्रीट नाउन असूल स्वेल्टरिंग शदीद गर्म एडजेक्टिव ओएसिस नखलस्तान नाउन बेटा नाउन इज द वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया और क्वालिटी ओके एंड एडजेक्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन इसका बेटा ये मतलब है कि जो नाउन की जो नाउन को क्वालिफाई करे यानी नाउन की अच्छाई बयान करे या बुराई बयान करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं और वर्ब वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन ओके एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ वर्ब ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द lesson I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and trouble I am not unmindful kehta unmindful bekhabar main bekhabar nahi hu ke aap mein se jo hain some of you aap mein se kuch jo hain have come here yahan pahunche ho out of great trials and tribulations bahut sari mushkilat ko bardasht karne ke baad some of you have come fresh from narrow jail cells aap mein se kuch बड़ी तंग कोठरियों से आए हो सम ऑफ़ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज और आप में से कुछ ऐसी जगहों से आए हो वेयर यू योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बेटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन एंड स्टगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी आप में से कुछ उन इलाकों से आए हो जहां आपकी आज़ादी की तलाश में उन्हें जुल्म और जबर के तूफानों की वजह से नुकसान पहुँचा है और पुलिस की बर्बरियत की वजह से परेशानी उठानी पड़ी है You have been the veterans of creating creative suffering. Veterans, tajarbakar sapahi. You have been aap rahe ho, tajarbakar sapahi of creative sufferings. Nayi nayi takaleef ke. Theek hai? Aap tameeri amal ke musaib bardasht karne wale sapahi hain. Continue to work with the faith. Continue to work. Kaam ko jari rakho. With the faith, इस ईमान के साथ that unearned suffering is retributive के ऐसी तकालीफ ऐसा दुख के जिसमें आपका कसूर ना हो वो असल में उससे आपको वो आपके लिए निजात दहिंदा बन जाता है Go back to Mississippi, Mississippi को वापस जाओ Go back to Alabama, Alabama को वापस जाओ Go back to जनूबी कैलिफोर्निया को वापस जाओ Go back to Georgia को वापस जाइए या Go back to Lesesnia, Go back to the slums, and ghettos अपने
ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, हमारे शुमाली जो शहर हैं उनके जो स्लम्स और गीटोज एरियाज हैं, यानी खस्ता हाल और बदहाल इलाके हैं, उनको वापस जाओ। नोइंग दैट, ये जानते हुए सम हाउ किसी न किसी तरह दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, कि ये सूरत हाल जो है हो सकती है और तब्दील हो जाएगी। लेट अस नॉट वेलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, मायूसी की वादी में भटकते नहीं फिरना। आई से टू यू टुडे, आज मैं आपसे कहता हूँ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस, मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद, ऑफ द मोमेंट, उस लम्हे की, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, यानी उन लम्हों की परेशानियों और मुसीबतों के बावजूद अभी तक, आई स्टिल हैव, अभी तक मेरा ख्वाब है, इट इज़ अ ड्रीम। ये मतलब मेरे ख्वाब से मुराद है बेटा कि, यानी कि हम सक्सेसफुल होंगे। इट इज़ अ ड्रीम, ये ख्वाब है डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, जो जिसकी गहरी जड़े अमरीकी ख्वाब में हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है दैट वन डे, एक दिन, दिस नेशन, ये कौम, विल राइज अप, ये उठेगी एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने अकीदे के असल मकसद को लिव आउट साबित करेगी। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। क्या कहना चाह रहा है इसमें लिखारी, हम साफ तौर पर इन सच्चाइयों पर यकीन रखते हैं। वी होल्ड, यानी हम यकीन रखते हैं दीज ट्रूथ्स, इन सच्चाइयों पर, टू बी सेल्फ एविडेंट, जो कि वाजे हैं, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया गया। देखिए बेटा, ये जो लाइन है कि दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, ये तो हमारा मुसलमानों का अकीदा भी, और हमारे मुसलमानों के अकीदे में ही इस बात को कुरान पाक में वाज़ह किया गया है। हमारा सबसे पहले इस पे यकीन है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है दैट वन डे, एक दिन, ऑन द हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया की पहाड़ियों पर, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, किसानों के गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव ओनर्स, और किसानों के मालकों के गुलामों के मालकों के बेटे, किसानों के मालकों के बेटे, विल बी एबल टू सिट डाउन, बैठने के काबिल हो जाएंगे, कैसे, टुगेदर, इकट्ठे, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज पर। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है दैट वन डे, एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी की रियासत, अ डेजर्ट स्टेट, sweltering with the heat of injustification oppression, a desert state, जो कि एक सहराई रियासत है, जो कि नाइंसाफी जुल्म की तपस से जल रही है, will be transformed, तब्दील हो जाएगी, into an oasis of freedom and justice, आज़ादी और अदल के नखलस्तान में। I have a dream, मेरा ख्वाब है that my four little children, मेरे चार छोटे बच्चे, विल वन डे लिव इन अ नेशन, एक ऐसी कौम में रहेंगे, एक ऐसी कौम में रहेंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जिनको उनकी स्किन के, उनके खाल के रंग से नहीं जांचा जाएगा, बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनके किरदार की खूबी की वजह से परखा जाएगा। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है टुडे, आज, आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है दैट वन डे, एक दिन, द स्टेट ऑफ अलबामा, अलबामा की रियासत, हुज गवर्नर स्लिप्स, जिसके गवर्नर के होंट आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, जिसका गवर्नर जो है अभी मुदाखलत कर रहा है और कानूनी हक तस्लीम करने से इनकार कर रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, तब्दील हो जाएगा, इनटू अ सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल में, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़, जहाँ छोटे काले लड़कियाँ, ब्लैक गर्ल्स और छोटी काली लड़कियाँ, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, हाथ डालने के काबिल हो जाएंगी, विद लिटिल वाइट बॉयज़, छोटे सफ़ेद लड़के एंड वाइट गर्ल्स और छोटी सफ़ेद लड़कियों के, एंड वॉक टूगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर, और बहन भाइयों के तौर पर इकट्ठे मिलकर चलेंगे। आई हैव अ ड्रीम टूडे, मेरा आज एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है दैट वन डे, एक दिन, एवरी वैली, हर वादी शैल बी एग्जाल्टेड, वो आला और अरफा होगी, ऊंची हो जाएगी, एवरी हिल, हर पहाड़ी, एंड माउंटेन, और हर टीला और हर पहाड़ी, शैल बी मेड लो, वो जेरी हो जाएगी।
यानी उसका गुरूर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। द रफ प्लेसेस खुरदरी जगह विल बी मेड प्लेन्स, वो हमवार हो जाएंगी, एंड द क्रूक प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और ना हमवार जगह मैदान बन जाएंगी। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और अल्लाह ताला की शान शौकत आया हो जाएगी। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और तमाम गोश्त वोश्त के इंसान इसे खुद देखेंगे। दिस इज़ अवर होप, ये तो है हमारी उम्मीद। दिस इज़ द फेथ, ये है हमारा ईमान। विद विच, जिसके साथ। आई रिटर्न टू द साउथ, मैं जनूब को गया। विद दिस फेथ, इस ईमान के साथ, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, हम मायूसी की पहाड़ियों को रंगने के काबिल हो जाएंगे। अ स्टोन ऑफ होप, और उसको एक उम्मीद का पत्थर बनाने के काबिल हो जाएंगे। विद दिस फेथ, इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इन टू अ ब्यूटिफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। इस यकीन के साथ, इस अकीदे के साथ, हम मायूसी और नाउमीदी के पहाड़ को उम्मीद के एक पत्थर में तराशने के काबिल होंगे। और विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जगलिंग, और इस अकीदे के साथ हम अपनी कौम के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात को भाईचारे के गीत में तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे, सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ, हम इकट्ठे काम करने के काबिल हो जाएंगे। टू प्रे टुगेदर, इकट्ठे इबादत करने के। टू स्ट्रगल टुगेदर, इकट्ठे कोशिशें करने के। टू गो टू जेल टुगेदर, जेलों में इकट्ठे जाने के काबिल हो जाएंगे। स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और आज़ादी के लिए लड़ने के काबिल हो जाएंगे इकट्ठे। नोइंग दैट, ये जानते हुए, वी विल बी फ्री वन डे, कि हम एक दिन आज़ाद हो जाएंगे। दिस विल बी द डे, ये वो दिन होगा, व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब खुदा के तमाम बच्चे विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग, वो एक नए मानी के साथ गीत गाएंगे। ओके बेटा, इट्स एनफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।